लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लॉकडाउन की तंगी के बीच आज विजय नाटा फाउंडेशन द्वारा बेलापुर सेक्टर 8 इलाके में खाद्यान्न वितरण किया गया। प्रभाग 103 में आयोजित एक कार्यक्रम में यहाँ सैकड़ों नागरिकों और जरूरतमंदों को राशन किट बांटी गई। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख रोहिदास पाटिल, दिलीप घोड़ेकर, मिलिंद सूर्यराव, उप शहर प्रमुख प्रदीप वाघमारे, प्रवीण कामले, विशाल घोड़े समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। शिवसेना पदाधिकारियों ने विजय नाटा फाउंडेशन द्वारा संचालित खाद्यान्न सेवा को बड़ी मदद बताते हुए उप नेता विजय नाटा की सराहना की, जिनके जरिए हफ्ते भर से नवम्बईकरों के लिए राहत सामग्री बांटी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह लॉकडाउन से त्रस्त नागरिकों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। विजय नाटा फाउंडेशन द्वारा खाद्यान्न सेवा अभियान के तहत आज बेलापुर सेक्टर 8 इलाके में सैकड़ों जरूरतमंद नागरिकों को राशन किट बांटी गई। इस अवसर पर शिवसेना के उपजिला प्रमुख रोहिदास पाटिल, दिलीप घोड़ेकर, मिलिंद सूर्यराव और शहर प्रमुख विजय माने खासतौर पर मौजूद थे, जिन्होंने बेलापुर सेक्टर 8 के स्थानीय नागरिकों और कामगारों को खाद्यान्न वितरण किया। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख रोहिदास पाटिल और शहर प्रमुख विजय माने ने अपने नेता विजय नाहटा द्वारा चलाए जा रहे खाद्यान्न सेवा को जरूरतमंद नागरिकों के लिए बड़ी राहत बताया। उन्होंने उपनेता विजय नाहटा के अभियान की सराहना की, जिनके जरिए लॉकडाउन से परेशान कामगार वर्ग को खाद्यान्न के जरिए मदद की जा रही है। ये कोरोना की महामारी महाराष्ट्र मध्ये संपूर्ण देशामध्ये आलेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये अनेक लोक बेघर झालेले आहेत, अनेक लोक बेकार झालेले आहेत, काम नाही, धंदे नाहीत आणि अशा लोकांना, एक गरजू लोकांना एक हात म्हणून नाटासाहेबांच्या माध्यमातून हे अन्नधान्याचं वाटप होत आहे। खरोखर अतिशय स्तुत्य अशी गोष्ट आहे। बेलापूर गावात तसेच सीबीडी सेक्टर 8 आणि या सीबीडीमध्ये गोरगरीब, नाका कामगार आणि जे गरीब लोक आहेत अशा लोकांना आज वाटप इथं करण्यात आलेलं आहे आणि आम्ही नाटासाहेबांचं या बाबतीत फार फार अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो। शिवसेना उपनेते विजयजी नाटासाहेब यांच्या मार्फत गेले 1.5 वर्षापासून सातत्याने नाटासाहेब या करोनासारख्या महामारीमध्ये जे गरजू नागरिकांना अन्नधान्य वाटप करत होते त्याच्यातला आज हा 7वा दिवस आहे आणि गेले 7 दिवस गोरगरीब जनतेला, गरजू नागरिकांना नाटासाहेबांच्या मार्फत जे वाटप केलं त्या सर्व वाटपाबद्दल शिवसेना नवी मुंबईच्या वतीने नाटासाहेबांचं मी शतश आभार मानतो, कारण एवढं चांगलं नेतृत्व आज नवी मुंबईमध्ये काम करतं आहे। तुम्ही बघितलं असेल, आज करोनामुळे गोरगरीब नागरिक असतील, नाका कामगार असतील, रिक्षा चालक असतील, त्यांचे खूप हाल चाललेले आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी नागरिकांना आधार म्हणून नाटासाहेबांनी वाटप केलेले आहे। बता दें कि शिवसेना उपनेता विजय नाटा की ओर से बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में 8 दिनों से लगातार खाद्य रसद बांटी जा रही है ताकि अन्न के अभाव में कोई भी भूखा ना सोने पाए। अब तक कई इलाकों में हजारों नागरिकों को यह खाद्यान्न वितरित की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।